ये है इसकी मिट्टी जो है ना सारी खुश्क हो गई है, कल लेप किया था मिट्टी का तो खुश्क हो गई है, तो तकरीबन ये तैयार है। अब मिट्टी की थोड़ी कमी है, मिट्टी और डाल देंगे इधर, तो खरगोश जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों खरगोश, कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैं ये, अभी तकरीबन 2-2.5 या 3 माह के होंगे, इतना आइडिया नहीं है मुझे। देखिए ये कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से क्यूट से, तो इनके तकरीबन ये 2 जोड़े ये हैं और एक ये 5 पीस हैं, एक जो पुराना जो है ना पहले वाला वो इधर घर में कहीं घुसा हुआ है, इधर कहीं नीचे होगा किसी घर में, शायद वो दूसरे घर में होगा। इधर वो वाइट वाला किधर गया अभी, वो खाली है इसमें, इसमें नीचे बैठा हुआ है, वो आ गया, नजर आ गया, ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा है, ये बड़ा नीट क्लीन है, बड़ा प्यारा। तो ये थोड़े से यार मिट्टी से मैले हैं, ये पता नहीं अब साफ होते हैं या नहलाना पड़ेगा, तो आप लोग मशवरा देना कमेंट्स में, बताना कि मैं इनको नहला दूं और साबुन के साथ नहलाना है या फिर कोई सर्फ वगैरह या कोई शैम्पू इस्तेमाल कर लूं। यार जो खरगोशों का मुकम्मल ये सेटअप मैंने बनाया ना, बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, और आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि ये कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से खुद ही तैयार किया, ये सारा मेरा खुद का आइडिया है। ये सारी काने की चिक्स जो डाली हुई है, छत डाली हुई है, लोहे का एंगल है, मिट्टी है, ये फटियाँ वगैरह और जो टाइलें इस्तेमाल की हुई इसमें। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको पसंद आया ये कि नहीं, तो चलते हैं इनके लिए पट्ठे भी ले आए। यार मैं खरगोशों के लिए लूफन ले गया था, वो नीचे रखा हुआ, तो मैं वो भी ले आऊँ जाके, तो ला के डालते क्योंकि काफ़ी देर के ये भूखे हैं, कल रात का इनको डाला हुआ है लूफन, तो ये भूखे हैं, तो चलता हूँ मैं वो भी ले आऊँ। यार बेचारे भूख की वजह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें खाने को कुछ मिले, तो मैं चलता हूँ लेके आता हूँ इनके लिए। तो मैं रैबिट के लिए थोड़ा सा लूफन उठा के लाया हूँ, पहले चेक करूँ कि ये, माशाल्लाह भी माशाल्लाह भाई, भूख लगी हुई थी, खाने लग गए, क्या बात है भाई, बेचारों को भूख लगी क्योंकि कल रात का मैंने डाला था लूसन, तो अब तो माशाल्लाह ये देखे ना कितने मजे से खा रहे हैं। तो यार माशाल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आदि पीछे आ जाओ, खाने दो उनको, पीछे आओ, उठ जाओ इधर से, आ जाओ पीछे, आ जाओ खाने दो उनको। नहीं करो यार, खाने दो उनको, आदि चलो मुर्गियों को भी छोड़ो, हैं उनको भी डालो लूसन वगैरह, उनको दाना डाला है मुर्गों को, मुर्गियों को, चलो आओ मुर्गियों को दाना डालते हैं, चलो चलो भी चलते हैं। चलो दोस्तों भी मुर्गियों को भी हम छोड़ने लगे हैं, छोड़ दो मुर्गियों को भी, निकालो बाहर मुर्गियों को, आ जाओ भी, आ जाओ बाहर तुम लोग भी, बाकी इस जंगले की तरफ जाती हैं, इस घर ये घर इनको बहुत पसंद है, बाकी क्योंकि वो सामने लूसन पड़ा है उनको नजर आ रहा है। अंडा नहीं, अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, खाली है, नहीं अंडा, आ जाओ वापस, अंडा नहीं है, नहीं अंडा नहीं है, अंडा नहीं है, वो लूफन ला के डालो इनको मुर्गियों को, कबूतरों को और मुर्गियों को लूफन डालो, लूफन डालो। आदि डाल दो, रख दो सारे, रख दो इनके आगे। यार मौसम भी बड़ा प्यारा है, हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की ठंड भी लग रही है, धूप तो बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन मौसम ठंडा हुआ है। ये जो मुर्गियां ना पहले तो इनके साथ लड़ती थी, अब खुद ही दूर दूर रहती हैं, पहले इनके साथ बहुत लड़ती थी सबके साथ, अब इनसे डर के दूर दूर भागती हैं, पहले इनके साथ सुलह के साथ रहना था ना, प्यार में बल के साथ रहती इनके साथ, अब दोनों दूर दूर रहते हैं, वो सारे इकट्ठे रहते हैं, खा पी लेते हैं, लेकिन ये दोनों दूर दूर भागते हैं इनसे।
ये रैबिट हाउस तो तैयार हो गया है हमारा, तो इसके साथ वाला रह गया है, इसे भी तैयार करना है। इसकी हाइट इतनी ही रखनी है जितनी नज़र आ रही है। इसे पूरे को एक, इस जो दोनों है ना इनको एक कर देना आपने, इतना बड़ा इन मुर्गियों के लिए बनाना है एक ही। ये वाला भी तैयार हो गया है, तो दूसरा इनको इनका भी कोई कोई ना कोई इनमें भी चेंजिंग करनी है, अब इनको भी दोबारा तैयार करना है, चेंज करना अपने तरीके से। तो ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे मैंने वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं ना उनके लिए मैं इधर बड़ा सा केज तैयार करूँगा, वो भी इधर रखने हैं ला के। पहले मैंने इधर डाली थी छत फटियों वगैरह की, फटियाँ रख के नीचे उधर ऊपर इंटे टाइलें वगैरह रख दी थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी, बारिश आती थी तो पानी नीचे जाता था। लेकिन ये सबसे ईजी है, सस्ती भी है और आसान भी है। काने की चिक लाओ डाल के ऊपर मिट्टी डाल दो, बारिश में भी महफूज और ये तकरीबन ठंडी भी रहती है, छत हीट नहीं देती, तो गर्मियों में इधर नीचे हीट नहीं जाएगी इनको, तो ये खूब इंजॉय करेंगे इधर इंशाल्लाह। आ जा भी आ जा इधर आ जाओ, आदि इधर आओ, ये देखो कबूतर पकड़ा मैंने, आदि ये देखो पिजन पकड़ लिया, आ जाओ इधर आओ। नो यार ये तो लड़ता है आगे से, चूंच चूंच भी मारता है, काटने को भागता है, तो नीचे से पंजे भी मारता है, ये बहुत तेज कबूतर है, ये तो बड़ा लड़ता है ये तो। आदि पीछे हो जाओ, भी पीछे हो जाओ, आदि पीछे हो जाओ, आदि पीछे हो जाओ, ये लो पकड़ लो, पकड़ लो जैसे पकड़ लो, वही ये तो वही भागता है, ये तो ये जान छुड़ा छुड़ा के भागता है, ये देखो कैसे कर रहा है ये, माशाल्लाह कितना प्यारा है, इसकी चोंच कितनी प्यारी है, वाह भी वाह। वही आदि नहीं करो भाई, वही नहीं करो, मैं छोड़ दूँ फिर इसे, वो गया, वो चला गया अपने घर, वो अपने घर चला गया, जाओ पकड़ के लाओ, जाओ पकड़ के लाओ उसे, जाओ वो जाओ पकड़ के लाओ, जाओ मुर्गे को पकड़ के लाओ, मुर्गा पकड़ना है, जाओ पकड़ो। यार ये सेटअप कैसा लग रहा है देखिए, एक गांव का माहौल, पिंड वाला माहौल कितना प्यारा लग रहा है, मुर्गी मुर्गियां, कबूतर, खरगोश और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। इस मुर्गी का कलर कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है इसका कलर, कितना प्यारा लगता है, बहुत प्यारी वीडियो बनती है इसकी। आ आ आ आ आ आ, आ। आ आ आ आ ये गंजी हादी, ये नहीं यार बाज आता, फोटी ले गए इनके पीछे पीछे, वो इसे डर के भागते रहते हैं, ये इनको भगा के खुश रहता है। आदि इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, रख दो ये फोटी उधर, छोड़ दो, रखो इधर, खाने दो उनको, उनको छोड़ा कि वो इंजॉय करें, तो हादी से डर डर के वो बेचारे भागते रहते हैं। हादी गुस्सा कर गया, हादी गुस्सा कर, वो तेरा पला जो तेरा, ओए हादी गुस्सा कर गया, नहीं यार इसको डांटे ना तो ये बहुत गुस्सा करता है, वो नहीं कुछ करो, नहीं 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 नहीं, बस बस छोड़ दो बस यार, नहीं लड़ाई करो, बस वो बस वो बच बच बच, वो हादी गिर गया, चलो बस करो बस करो, नहीं भाई नहीं, चलो सलाह कर ले, चलो आ जाओ सलाह कर ले, आ जाओ सलाह कर ले, आ जा मेरे पास सलाह कर ले, इधर आ जा, नाराज होके चला गया, ओ नहीं नहीं वो नहीं भाई नहीं, वो ना भाई ना, वो नहीं नहीं नहीं, और रेत मेरे ऊपर डाल रहा, ओए ओ ऊपर डाल गई, ओए बस बस चलो छुला कर ले, फुला कर ले, चलो भाई हादी के फार्म में फुला कर लूँ फिर वीडियो बना, नहीं जाना भाई हादी अभी तक माना नहीं, वो नीचे जा रहा है, कहता मैंने नहीं मानना, हादी आ जा भाई, आ जा यार आ जा, नहीं जाना, चल आ जा फुला कर लेते, आ जा वो हादी यार, हादी नाराज हो गया चला गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ छुला कर लेते, आ जाओ छुला कर लेते, छुला कर लेते, आ जाओ यार, नहीं मानना है, मार रहा मैंने, चलो अब नहीं मारता, आ जाओ छुला कर लेते, आ जाओ भाई हादी को बड़ी मुश्किल से नीचे से मना के लाया हूँ, नीचे चला गया था, तो अब हमारी छुला हो गई है, हादी पारी दे दो, एक पारी दे दो, नहीं अभी नहीं माना, पूरी तरह नहीं अभी माना भाई, हमारे मुर्गे जो मुर्गियां छत पे चढ़ गए हैं, तो शुक्र है नीचे आ गए, नहीं तो ये पलांग के दूसरी तरफ चले जाते हैं साथ वाले घरों में, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर उधर छतों पे चढ़ना, उधर से लाना वापस। क्या हुआ क्या हुआ,
अब डर लग रहा है। माशाल्लाह बड़ा माहौल इनको पसंद है, ये छत के ऊपर चढ़ के इर्द गिर्द देख रहा है मुर्गा। मौजें भैया अभी इसकी, ये देखिए यार कितना प्यारा लग रहा है। वाह भी वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। कच्ची मिट्टी के ऊपर मुर्गा इतना फैंसी सा, इतने प्यारे कलर। वाह भी वाह, खूब इंजॉय कर रहा है। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। नीचे जा रही है लगता है, शायद नीचे जाएगी। चलो भी नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ भी नीचे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ओ चले गए, नीचे आ गए। कबूतर भी धूप में एंजॉय कर रहे हैं, खूब ऊपर चढ़ के धूप ले रहे हैं, धूप के मजे कर रहे हैं। यार ये जो मुर्गियां ना, ये बहुत आपस में लड़ती हैं। कोई मुर्गी है जिसके साथ कबूतर हो, कबूतर के साथ ये बहुत दोनों लड़ते हैं। ये छोटा सा है ना, जो छोटा सा टींडा सा, टींडा मींडा सा, वो भी बड़ा लड़ता है। ये देखना मुर्गी अंदर जाएगी तो कैसे लड़ेंगे ये, लेकिन इनकी लड़ाई देखिएगा। अब डरते हैं ना, पहले हर किसी से लड़ते थे, अब पंगा ले लिया है तो अब खुद ही डर रहे हैं। पहले सबको मारते थे, जब दूसरों ने मारना शुरू किया तो अब डर के दूर दूर रहते हैं उनसे। आओ भाई बाहर आओ, लड़ो उनसे, आ जाओ बाहर। आप क्यों छुप रहे हो? अब देखिए कैसे छुप के बैठे हैं दोनों। पहले हर किसी के साथ लड़ते थे। ये जो कबूतर है ना, मेल है या फीमेल है? ये मेल है, फीमेल वो ऊपर छत पे बैठी हुई है। तो इन्होंने अंडे दिए हुए हैं यार, अंडे तो देखें। ओ तीरा भला हो जाए, मारता भाई पर के साथ मारता। ये तो पर उठाते हैं और पर मारते हैं। क्या वाह भी वाह, यार देखो, यार देखो, वाह भी वाह, वाह भी वाह। यार ये पर के साथ मारते हैं। पहले मैंने देखा था मुर्गी के साथ लड़ रहा था, मुर्गी को भी पर मार रहा था। चूंच नहीं मारते ना, पंजा मारते, पर के साथ मारते अपने। देखा यार क्या बात है भाई, इनकी बहुत गुस्से वाला ये तो, अंडों को हाथ नहीं लगाने दे रहा। तो देखे यार रैबर्ट्स ने अपना खा लिया, लूसन जो डाला था इनको। चेक कर लें क्या कर रहे हैं ये भी। हाँ यार ये तो खा गए हैं सारा अपना चारा, खा लिया इन्होंने। सिर्फ हल्की हल्की टहनियाँ छोड़ी हैं, तकरीबन खा गए हैं, ज़्यादा खा गए हैं। तो आप देखें ना कैसे इत्मीनान से बैठे हो गए ये। वो शायद सो रहा है, ये भी खा रहा है। यार ये डोर पड़ी हुई है पाँव के साथ, इधर अंदर आ गई है तो इनके पाँव को ना लग जाए। इसको निकाल दें बाहर। तो दोस्तों अब करते हैं व्लॉग का एंड। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रैबिट हाउस कैसा लगा है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अब करते हैं इनको सबको, पैट्स को बंद करते हैं। तो रैबिट हाउस को तो बंद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो मैंने बनाए इस तरीके से कि इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही रहते हैं अपने घर के, वो सारे आराम कर रहे हैं, इधर ही रहेंगे। मैं कुंडी लगाऊंगा और चला जाऊंगा। तो बाकी चीज़ों को बंद करना है, वो करते हैं बंद और चलते हैं। दोपहर का खाना भी खाना है। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।